अच्छा, तो इससे पहले मैंने आपको डाइटन लॉ पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन बता दिया है और एक्सप्रेशन हमने जान लिया है कि टोटल प्रेशर को कैसे सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर, ये एक टॉपिक है एक्चुअली, क्या होता है ना, इसका डेरिवेशन भी दे देते हैं कि आप पार्शियल प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन से कैसे एक्सप्रेस करोगे उसका डेरिवेशन बताओ, तो डेरिवेशन भी देख लेना और साथ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देते हैं। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंडिविजुअल गैसेस की जो पार्शियल, एक तो टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है, तो बट ये जो जो इंडिविजुअल गैसेस जो पार्शियल प्रेशर है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे थ्रू नंबर नंबर ऑफ मोल्स मींस मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले लिए हैं ए बी एंड सी और वॉल्यूम फिक्स रखा है, टेम्परेचर भी फिक्स है, और ए के नंबर ऑफ मोल्स ए एन ए लिया है, बी के लिए एन बी नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिया है और सी के लिए एन सी लिया है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर, और वैसे आपको पता है मैंने आपको ये भी बताया है कि जिसकी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होती है उसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर रिजल्ट हो जाता है। मान लो NB, 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 NA, NB और NC में से मान लो NB का नंबर ऑफ मोल्स सबसे मैक्सिमम है तो B सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर रिजल्ट करेगा, क्लियर ना। अच्छा, तो इस कंटेनर के अंदर A अपना जो पार्शियल प्रेशर रिजल्ट करेगा कितने PA, इसका जो पार्शियल प्रेशर है लेटर बी PA, क्लियर, ये पार्शियल प्रेशर अपना एग्जिट कर रहा है। बी जो है ये कितना पार्शियल प्रेशर एग्जिट करेगा, लेटर बी पी, क्लियर ना। और गैस सी जो है ये कितना पार्शियल प्रेशर एग्जिट करने वाला है, लेट इट बी पी सी, क्लियर है। तो थोड़ा सा इसे इलैबोरेट करके पहले लिख देते हैं और फिर अच्छा दूसरी बात क्या है, जब एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस डाले जाते हैं, जो इंडिविजुअल गैसेस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब सबके लिए इंडिविजुअली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप यूज कर सकते हो, इसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए भी सी के लिए भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर है। और इस यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के थ्रू ही हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इफ थ्री गैसेस ए बी एंड सी विथ नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी एंड एन सी रेस्पेक्टिवली are kept in a container of volume V at a temperature T. Then, applying ideal gas equation for individual gases. For इंडिविजुअल गैसेस, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इंडिविजुअल गैस के लिए ए बी और सी के लिए अलग अलग मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने जा रही हूँ, ये इक्वेशन हम डालेंगे, देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी कितना निकल जाएगा, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ पे निकालूंगी इंडिविजुअल गैस, अच्छा सो पीवी इज इक्वल टू व्हाट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यस ओके, तो पी क्या होगा, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, यस, इफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, अच्छा ठीक है, तो P के बदले NRT में V पर डाल सकती हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना हो जाएगा, PA इज इक्वल टू NRT बाय V हो जाएगा ना,
ठीक है, तो P is equal to कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर निकाल रही हूँ मैं, आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकालूंगी, तो N के बदले में लूंगी N, क्योंकि A गैस की नंबर ऑफ मोल्स कितना NA है, NA RT by V, is it? ठीक है कि नहीं, बोलो ऑल क्लियर? Yes, मैंने एक कंटेनर के अंदर तीन गैसेस डाला हुआ है, ए बी और सी डाला हुआ है, सारे के सारे नॉन रिएक्टिंग हैं, सबके नंबर ऑफ मोल्स मैंने एन ए एन बी और एन सी लेके रखा है, और तीनों का पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी एंड पी सी। अब मैंने आपको ये भी कहा है कि सबके लिए इंडिविजुअली आइडल गैस इक्वेशन ओबे हो जाएगा, तो जब अप्लाई हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ए निकाल देते हैं, ठीक है, तो पी इफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे होगा, पीवी इज इक्वल टू यस एन बी आर टी वाई बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा, एनसीआरटी बाय बी, एनसीआरटी बाय बी, ये तीनों गैसेस की पार्शियल प्रेशर है। Now what will you say about the total pressure? Total pressure क्या होता है? Can you please tell me? PV plus PC. So total pressure. Inside the vessel, हाँ total pressure. Total pressure क्या हो जाएगा? Total is equal to, आपको पता है partial pressure का sum होता है total pressure. मैंने इंडिविजुअल निकाल दिया है, क्लियर है? अब पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, आप इन तीनों को सम करो और मुझे बताओ एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आर टी बाय वी आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो एक बार, आ रहा है मैम, क्लियर है? क्लियर है? टोटल प्रेशर जब मैं निकालती हूँ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इन तीनों को तुम सम निकाल दो तीनों का, यू विल गेट एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इंटू आर टी वाई बी, क्लियर है? अच्छा, तो ये मेरा टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो आपको ये न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए बोल सकते हैं, आपको बोल देंगे कि एक कंटेनर के अंदर वॉल्यूम दे दिया जाएगा, आपको कंटेनर का टेम्परेचर भी दे दिया जाएगा, सब कुछ आपको गिवन रहेगा, और साथ में ये बोल देंगे कि 10 मोल ऑक्सीजन है और 15 मोल नाइट्रोजन है, टोटल प्रेशर निकालो, कैन यू फाइंड आउट, यस यू कैन फाइंड आउट, यस मैम, टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को इकट्ठा कर देना, 10 मोल ऑक्सीजन है और 15 मोल नाइट्रोजन, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स, 25 हो गया, 10 प्लस 15 इज 25 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर सीधा 25 लिखो, आरटी बाय वी अप्लाई करो, सीधा आ जाएगा टोटल प्रेशर, क्लियर है? ऑल क्लियर? किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो पहले इसके ऊपर, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगी, राइट डाउन लिखो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर कंफाइंड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ At a temperature of 30 degree Celsius. Clear? Question लिख दिया आपने? एक
और बार रिपीट करिए ना, मैं डिस्कस. हाँ 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 6 moles of oxygen, O2 gas, and 8 moles of nitrogen, N2 gas, are confined or kept in a vessel of 2 liters. Yes. रिपीट करना है क्या क्वेश्चन? रिपीट कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन. हाँ हाँ 6 moles of oxygen gas and 8 moles of nitrogen gas are kept in a vessel of volume 2 liter at a temperature of 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. What is the total pressure inside the vessel? Find out the total pressure inside the vessel. मैम 176.04. देख लो सबका मैच कर रहा है. मैम वॉल्यूम कितना कहा आपने? वॉल्यूम और टेम्परेचर? 2 लीटर. एंड टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस. All clear. अभी मैंने main जो मेरा expression वहाँ पे मैं पहुँच रही हूँ कि mole fraction के through कैसे represent करेंगे. मैम unit क्या होती है इसकी? Unit. किसकी unit? इसकी मैम Dalton law of, इसकी कोई unit नहीं होती? नहीं 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 तो pressure क्या है ना, bar होगा या फिर atm? बार होगा या फिर एटीएम होगा. प्रेशर आपको जिस यूनिट में डालना है आर का वैल्यू वो डाल देना. आपको प्रेशर को एटीएम में निकालना है आप सीधा आर का वैल्यू 0.0821 डाल देना. आपको प्रेशर को बार में निकालना है आप 0.083 डाल देना. आपको बताया था ना प्रेशर के हिसाब से आर का वैल्यू डालता है. और वॉल्यूम इज ऑलवेज कैप्ट इन लीटर. आपको लीटर में ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन. आपको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा. अच्छा वैसे भी मुझे ये रब करना है क्योंकि मुझे मेन एक्सप्रेशन मेरा ये है कि मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम कैसे निकालेंगे. अब मैं क्या करूंगी, पीए पीबी और पीसी को इंडिविजुअल निकालूंगी थ्रू द एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन के थ्रू मुझे निकालना है. मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है. जो लिखना था मैंने लिख दिया है. मैं आपको वैसे बता रही हूँ, अब मोल फ्रैक्शन वाला आपको तो बता दूंगी, वो तो आपका आता है बता दूंगी. But the main equation is this. E total is equal to this into this, this plus this into this. This is everything. आप इसको लेके कुछ भी solve भी कर सकते हो. ये main है, but mole fraction के through हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा. अच्छा, अब आपको जो मैंने question दिया है, मैंने question आपको ये दिया है कि there are 2 gases. Volume मैंने दे दिया है 2 liter दे दिया है और temperature मैंने दे दिया है 30 degree Celsius दे दिया है और इसके अंदर मैंने 6 moles O2 रखा है और 8 moles N2 डाला है. N2 और O2 को मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और मुझे अब पूछा गया है टोटल प्रेशर. आपको फॉर्मूला नीचे गिवन है कि जब एक से ज्यादा गैसेस भरे जाते हैं, रखे जाते हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो उनका जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको प्लस कर देते हैं और RTYV डाल देते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे 2 gases है, मैं क्या लिखूंगी, N1 plus N2 plus N3, जिसमें क्या है PA plus PB, 2 gases है, तो partial pressure PO2 plus PN2 हो जाएगा. PA plus PB, अगर 3 gases है तो PA plus PB plus PC करते हैं. यहाँ पे 2 gases है O2 और N2, PO2 plus PN2. इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, NO2 plus NN2 नंबर ऑफ मोल्स का समेशन कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देंगे, RTYV डाल देंगे. क्लियर है? अच्छा, इसमें थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी सारा न्यूमेरिकल्स देते हैं. सीधा ये वैल्यू डालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो और सॉल्व करो इसे, और थोड़ा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन देते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे चलते हैं,
NO2 and N2 क्या हो जाएगा, नंबर मोल्स ऑफ O2 कितना है, 6 है, 14 हो जाएगा, ठीक है। आर कितना लेंगे, मान लो मुझे प्रेशर के बारे में कोई आइडिया तो मिला नहीं कि प्रेशर बार में निकालो, अगर आपको बोलेंगे कि प्रेशर बार में ही निकालो फिर मुझे आर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0.083। अगर बार है तो आर का वैल्यू निकलता है 0.083, और अगर एटीएम में निकालना है तो आर का वैल्यू होता है 0.0821। मान लो कि बार में निकालना है, बार प्रेशर के अंदर बार डालना है मुझे, तो क्या करना है यहाँ पे, आर का वैल्यू डालेंगे 0.083 इनटू टेम्परेचर को मैं कैलकुलेटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 303। मान लो कितना हो जाएगा ये आपका 303। डालो यहाँ पे 303 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज ऑलवेज टेकन इन लीटर, PV is equal to RT कहीं भी लगता है तो volume is always taken in liter, अगर bar है तो liter, ATM में भी liter जाएगा, तो 2 सीधा डालेंगे, इसका value निकाल दो कितना आ रहा है देख लो, जो भी आएगा मेरा आ रहा है 176.04। मैम मेरा भी यही आ रहा है 176.04 bar। ये तो मैंने आपको ऐसे अभी दे दिया है क्वेश्चन कि आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बट मेरा जो मेन अभी है वो आने वाला है मोल फ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्रेशन, तो इसे मैं रख करती हूँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज बन चुका होगा इसको लेके, ठीक है। जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस डाले जाते हैं तो कैसे टोटल प्रेशर निकाला जाता है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को सम निकाल दो, आर टी बाई वी मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे बढ़े फिर, ठीक है, इसको मैं रख कर रही हूँ, फिर आगे चलते हैं, ये ना यस, दीपाली प्रेजेंट नहीं है ना आज, आज दीपाली नहीं है, यस मैम डन डन है, चलो मैं इसको रख करती हूँ अभी। अच्छा, तो ये मैंने आपको बीच में एक क्वेश्चन इसलिए करा दिया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको पूरा मैंने इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, फिर हम नंबर ऑफ मोल का जो फ्रैक्शन के थ्रू उसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरा एक तीन गैसेस अगर ए बी और सी को हम अगर एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं तो पीए आपने कैसे निकाला, ध्यान से देख लो एक बार, आरटी बाय वी चेक कर लो, अभी आपने लिखा था चेक कर लो उसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमने निकाल दिया, इज इट सो, और इसका हमने निकाल दिया, निकाला, देखो आपने लिखा है, देखो अभी पीए पीबी पीसी का पार्शियल प्रेशर आप इससे निकाल लेते हो, पी टोटल कैसे आपने निकाला, PA plus PB plus PC is equal to N1 plus N2 plus N3, clear है ना? अच्छा, अब अगर मैं PA divided by P total करूंगी तो क्या हो जाएगा, PA divided by P total, just a minute. Now, PA को मैं डिवाइड करूंगी P total से, PA by P total, आप थोड़ा करके देखना और क्या आ रहा है मुझे बताना, PA by P total, PA का क्या है, NA by RT by V, चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पे, NA RT by V divided by, आप मुझे बताना सही है कि नहीं है, ध्यान देना थोड़ा, PA is equal to NA RT by V, तो PA by P total कर रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, next step में PB by P total करूँगी, फिर third step में PC by P total करूँगी, ये P total क्यों, PA का value मैंने यहाँ से लेके लिख दिया है, P total का क्या value है, ये वाला, ठीक है, RT by V, अब आप मुझे बताओ, RT by V cancel हो जाएंगे, yes ma'am, NA upon में N1 plus N2 and 3 left, NA by N, sorry,
ठीक है, एन ए एन बी एन सी, ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, am I correct? मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है. मैम वीडियो पॉज हो गई आपकी. मूल फंक्शन ऑफ बी कैसे क्या होगा? अच्छा, व्हाट विल बी मूल फंक्शन ऑफ सी? ठीक है, अच्छा, दैट मींस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स इंडिविजुअल गिवन रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स सब कुछ गिवन रहेगा, तो आप सीधा फॉर्मूला डाल के भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो. Yes? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं. इसको पहले आप इसे अच्छे से लिख दो पहले, ठीक है. मैंने एक का एक्सप्रेशन आपको प्रॉपर दिया है और बाकियों को मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है. इसका एक्सप्रेशन आई थिंक कि आप खुद भी निकाल सकते हो. अगर आपने एक का निकाल दिया है, दूसरे का भी आ जाएगा, तीसरे का भी आ जाएगा. किसी को डाउट है किसी भी एंगल पे से मुझे पूछ लो, मैं फिर आगे बढ़ूंगी. अभी क्लियर है, आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं, ये आपका मेन एक्सप्रेशन तो आ ही चुका है, ठीक है, कि हम कैसे नंबर ऑफ ये किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, मैं खुद बना के देती हूँ, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, लिखो. करूं, डिक्टेट करूं मैं, क्वेश्चन डिक्टेट करूं, रेडी रेडी. यस बच्चे, लिखो 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 लिखो. ठीक है, गैसेस बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, गैसेस बहुत कुछ दे सकते हैं. मैं आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दोबारा एग्जांपल के साथ बता देती हूँ, इजी रहेगा आपको, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी. मैं फिर भी देख लेती हूँ और तो भी गैसेस, बिकॉज जब हम ये क्वेश्चन देते हैं ना, हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि गैसेस नॉन रिएक्टिव है कि नहीं है. अच्छा, बहुत अच्छा, लिखो लिखो लिखो. Two gases, neon and dioxygen. Write down two gases, neon and dioxygen, with number of moles, with number of moles 8 and 12 respectively. Two gases, neon and dioxygen, with number of moles 8 and 12 respectively, are kept in a vessel, are kept in a vessel, if total pressure of the container, if total pressure of the container, if total pressure of the container is 10 bar, if total pressure of the container is 10 bar, find out individual partial pressure.
of neon and dioxygen. Find out individual partial pressure of neon and dioxygen. सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिखा? यस मैम। अच्छा या दोबारा रिपीट करना है, किसी ने क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं रखा? आयुष? यस मैम। कंप्लीट है क्वेश्चन लिखा ठीक से? यस मैम। फोर एंड सिक्स आ गया मैम आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसका फोर है और किसका सिक्स है? नियॉन का कितना? नियॉन का फोर है, ऑक्सीजन का सिक्स है, O2 का सिक्स है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? यस मैम। किसी का नहीं आया आंसर है तो बता दो, थोड़ा हम यहाँ पे चलते हैं। अब आप थोड़ा रेडी हो, थोड़ा न्यूरोलॉजी करते हैं अभी। अच्छा, इसके बदले मैं आपको और एक क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। इसको जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि कंटेनर के अंदर है मेरा नियॉन है और ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाया, दोनों का मिक्सचर बनाया हुआ है, डाला हुआ है। इसका मैंने लिया है 8 मोल और इसका लिया है 12 मोल और मुझे पूछा गया है कि टोटल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर जो है ये मुझे मिला है 10 bar और मुझे पूछा गया है कि नियॉन कितना है पार्शियल प्रेशर और O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। ये मेरा क्वेश्चन अभी आपको जो मैंने दिया था। अच्छा मैम, रीजॉइन करना है? रीजॉइन पर सब न्यूमेरिकल्स मुझे कराना था एक्चुअली। कितना टाइम हो गया कि मैम? 3 मिनट बचे हुए हैं। नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, डाल्टन लॉ वाला आज का कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं है पूरा? यस मैम, क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, बस एक दो क्वेश्चन मुझे कराना था। आप एक क्वेश्चन, कितना टाइम है बेटा देखना अभी? मैम 2 मिनट। 2 मिनट बचा, एक काम करना, 5-10 मिनट के लिए आ जाना, रिजॉइन कर लेना, चलेगा? फाइन, ओके मैम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ क्योंकि आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स को लेकर करा दिया है। मान लो आपको गिवन मास वाला आ गया, तो गिवन मास को फिर कैसे सॉल्व करोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर निकालोगे? एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं छुट्टी कर दूंगी। 5-10 मिनट्स में, okay, 10 मिनट्स के लिए रिजल्ट, ठीक है? हाँ, अब इसको ये सॉल्व हो गया। जैने, आयुष, ऑल क्लियर? हेम सबरी, आस्था, प्राची, विंशु, सबका क्लियर है? अर्पित को तो पता क्या है आंसर, बाकी बच्चे बता दो। यस मैम, क्लियर, पूरा क्लियर है। कैसे निकाला हमने, किस तरीके से हमने निकाला? मैंने आपको ये बताया है कि पार्शियल प्रेशर जो हम निकालते हैं, मान लो मुझे PNA निकालना है, कैसे निकालेंगे PNA? P टोटल, इसको क्या लिखा जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 8/20 इनटू P टोटल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नियॉन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नियॉन का नंबर ऑफ मोल्स, नियॉन का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 8+12 इनटू P टोटल कितना मिला है? 10 बार मिला है। सो आई गॉट 4 bar। सॉल्व कर लेना इसे, 20 हो जाएगा, ये कट के आप 2 आ जाएगा एंड टू 4 bar। सिमिलरली मैं PO2 का निकाल लूंगी, क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 8+12 इनटू 10 एंड आई विल गेट 6 bar। और आप चेक करो पार्शियल प्रेशर का समेशन कर लो।